गुड मॉर्निंग, मैं हूं बटी टिकर। मेरे साथ है आज डिवकॉम जी, जो आज एक स्ट्राइक होनी थी उसको स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया गया। हमारे साथ डिवकॉम जी आई, इनसे बात करते हैं। सर, क्या मीटिंग में रहा जो आज कॉल ऑफ हुआ स्ट्राइक का? ये देखिए, ये सभी जम्मू कश्मीर की जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, वो कमर्शियल व्हीकल्स की हों या पैसेंजर व्हीकल्स की हों, उन्होंने कुछ अपनी मांगों को लेकर आज 30 मार्च को बुधवार को यहाँ पर एक पूरे जम्मू कश्मीर में एक स्ट्राइक कॉल दी थी, और उसके चलते आज दो चरणों में वार्ता की गई और बहुत अच्छे माहौल में सभी नुमाइंदों के साथ वार्ता हुई। हमारे कश्मीर प्रोविंस से भी जितने भी यूनियन के पदाधिकारी थे वो आज यहाँ पर आए हुए थे, और मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं और यूनियन के पदाधिकारियों के बीच में वार्ता हुई, और उसमें एक क्लैरिटी हमें भी थी कि पिछले दो सालों में कोविड पेंडेमिक के चलते ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है इसको नुकसान भी हुआ है, राइडरशिप भी कम रही है। तो उसी कंसेंसस के साथ कुल पांच बिंदुओं पर कुछ कंसर्न्स थे यूनियन के, उसको एड्रेस किया गया, और मुख्यतः जिसमें कि पैसेंजर टैक्स को कुछ आसान किस्तों में, इजी इंस्टॉलमेंट्स में जो एरियर बनता है पैसेंजर टैक्स का, उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल डिमांड को एग्री किया है, और उसमें इंश्योर किया जाएगा कि एक किस्तों में अदायगी की सहूलियत इन सभी जितने भी पैसेंजर या कमर्शियल व्हीकल ओनर्स हैं उनको दी जाए। इसके साथ साथ जो हमारा फेज़ आउट व्हीकल्स को करने का, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ जम्मू और श्रीनगर में जो 20 साल से पुरानी व्हीकल्स हैं उनको फेज़ आउट करने के लिए जो निर्णय लिया गया है, उसको एक कमेटी के द्वारा जो है एक अनुरोध किया गया कि उसका एक दोबारा से उसके सभी पहलुओं को एक बार देख लिया जाए, तो उसके लिए भी जो है वो अग्री किया गया कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होकर उसमें विभिन्न पहलू का उसका परीक्षण कर लिया जाएगा। साथ ही में कुछ अन्य बिंदु भी थे यूनियन के, जिसमें कि खास तौर पर जो थ्री व्हीलर्स की जो रजिस्ट्रेशन और जो ड्राइविंग टेस्ट होता है उसके लेकर भी जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आज यहाँ पर मीटिंग में थे, उन्होंने उसमें जो है उनके ग्रीवियान से एग्री किया, और उसमें अकॉर्डिंगली उसमें डिसीजन भी इनको दिया जाएगा। और साथ ही में जो रिन्यूअल को लेकर जो है कुछ मुश्किलात आ रही थी, उसमें भी पूरा इंश्योर किया गया कि एक बिल्कुल स्ट्रीमलाइन सिस्टम के तहत जो फिटनेस या परमिट्स या डीएल का जो रिन्यूअल है वो टाइम बाउंड मैनर में किया जाएगा। साथ ही में जो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं उनको लगाने के लिए भी एक जो है उनको सिचुएशन और उपलब्धता के आधार पर ये व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइसेस भी जो है आने वाले समय में गाड़ियों में लगेंगे, और उसमें भी जो है एक म्यूचुअल कंसेंसस बना कि ये चाहे ड्राइवर हो या उनका स्टाफ हो गाड़ी का या जो ओनर है गाड़ी का, उसके साथ साथ पैसेंजर की सेफ्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गाड़ियों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइसेस लगें। इसके लिए मॉर्थ की नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसके तहत दोनों ये मैं समझता हूँ खेमों में कंसेंसस बना, तो एक अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन के भाइयों का कि उन्होंने भी ये लोगों की दुश्वारियों को समझते हुए आपने इसको स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है, और नॉर्मलसी से जो आज बुधवार को ये सभी जो हैं वो गाड़ियाँ चलेंगी, और जो भी इश्यूज हैं उसको ये निर्णय हुआ कि हम लोग म्यूचुअली उनको डिस्कस करके जो है, और वार्ता से ही चूंकि हाल निकलता है तो इनका हाल निकाला जाएगा। सर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये थे हमारे साथ डिवकॉम जी, और आपको बताते चलूँ आज जो है वो स्ट्राइक जो है वो कॉल्ड ऑफ हो गई है। शुक्रिया।